गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, उठ गया था मैं 8 बजे का, नहा चुका हूँ, पूजा हो चुकी है, अभी चाय बना रहे हैं और बाहर का मौसम एकदम औसम है। सुबह से बारिश हो रही है करीबन 3-4 बजे से, और ये सारा क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर जो जोड़ बना हुआ था वो उसका पानी जो है ओवरफ्लो हो गया, खेतों में चला गया है, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया। और हमारे अपार्टमेंट का एक टावर के सामने का दीवार भी टूट गया है, ढह गया, वो बाउंड्री थी। तो आज मौसम जो है ऐसा ही है, आज जाना था मुझे मार्केट करने, बट जो अभी हालत दिख रही है मुझे लगता है मैं जा पाऊँगा, क्योंकि हर जगह रोड पे पानी इस टाइम भरा होगा, हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आज शायद नहीं जाऊँगा मार्केट। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं, ब्रेकफास्ट में पकौड़े तो अपन बना चुके हैं और मैं खा भी चुका हूँ, चिकू ने भी थोड़े बहुत खाए हैं। ये रही अभी बस प्रीति नहा के पूजा करके फिर वो खाएगी, ब्रेकफास्ट करेगी। बच्चे दोनों उठ गए हैं, चिकू और चिकू की क्लास है आज। और ये हमारे आदि भैया, वैसे आज काम के लिए बाहर जाना था, पर अब जैसा मौसम है बाहर जाए और जैसा पानी भरा हुआ है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज वैसे भी अगर मैं काम पे जाता तो बहुत ज़्यादा मेरा ये बिजी शेड्यूल हो जाता आज के दिन का, क्योंकि मुझे आज दो एडिट करनी है, एक तो मोटो ब्लॉगिंग की और एक डे ब्लॉगिंग की। अभी फिर मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ और जल्दी से एडिटिंग कम्प्लीट करता हूँ, क्योंकि 11:30 हो गए हैं और अराउंड 2 वीडियो एडिट करने में कम से कम मुझे ना करते हुए 4 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे, 3 से 4 घंटे। तो ठीक है, ऐड करने में मिलते हैं। अभी 12 बज गए हैं, चिकू की क्लास स्टार्ट होने वाली है और ये आदि जो है ये इतनी देर से मेरे लैपटॉप पे इसकी वीडियो देख रहा है, परी करके एक परी लाइफस्टाइल करके एक चैनल है, और इतने मस्ती मस्ती वाले हंसी मजाक वाले काम कर रहे हैं ये। आदि ये क्या करते हैं पूरा दिन? शर्मा गया, अब नहीं बता रहा। प्रीति ये गेम वेम के ऊपर, मतलब टॉयज के ऊपर ये वीडियो है, तो प्रीति भी देख के बोली एकदम से मुझे, यार ये सारा दिन यही करते रहते हैं, इसी चीज़ में वीडियो बनाते हैं। तो मैंने तो आंसर बाद मैं क्या देता आंसर, तो पहले वो कह रहा हाँ और गोली भी चलाते हैं। आदि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? गोली मारते हैं। और भाई बड़े स्टाइल से बोला था, हाँ और गोली भी चलाते हैं। बाकी मौसम भाई यहाँ का कुछ अलग ही लेवल का हो गया है, सारा पानी 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 पानी, जितने भी फील्ड्स हैं। और ये तो जो ये वाला है स्टार्टिंग में जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें पूरे में पानी भर गया, इसके पीछे सारे ये खेत हैं इन सब में पानी भर गया। उसके बाद जो वो वाला एरिया है वो है जोड़, अगर जो गांव से रिलेटेड करते हैं उनको पता होगा जोड़ का मतलब क्या होता है, वैसे आप पौंड बोल सकते हो इसको, तालाब बोल सकते हो, बाकी इसको हमारे गांव की लैंग्वेज में जोड़ बोलते हैं। तो ये ओवरफ्लो हो गया और उसका पानी जो है खेतों में चला गया है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आई है, सुबह से बंद ही नहीं हो रही है, अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है। तो ठीक है, बाकी अभी एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ, सारी वीडियो चेक कर ली है, बस प्रॉब्लम ये हुई जो मोटो ब्लॉगिंग वाला जो मेरा पार्ट था उसके अंदर जो सबसे सारी वीडियो एकदम ओके गई हैं, सबसे लास्ट वीडियो थी जिस पर मैंने वीडियो एंड करी है उसके अंदर मेरा साउंड नहीं आया, माइक की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्या हुई थी। अभी दिन के बज गए हैं 2:30 और अभी तक भी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी पहली वीडियो एडिट नहीं हुई है अभी तक मोटो ब्लॉग वाली, अभी फिर डे ब्लॉग वाली एडिट करनी है, ना वीडियो बना पा रहा हूँ अभी, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कुछ एडिट कर रहा हूँ, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, फिर वीडियो काफ़ी लंबी लंबी है उसमें कट शॉट्स निकालने पड़ रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। बाकी आज लंच घर पे नहीं बनाया, मैंने बाहर से मंगा लिया था अपना पनीर बटर मसाला जो फेवरेट है मेरा, और नान। तो अब सारे बैठ के खाते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और खाना खाने के बाद फिर मैं एडिटिंग कंटिन्यू करता हूँ और जल्द से जल्द कम्प्लीट करता हूँ। शाम के 4:15 बज गए हैं और अब जाके पहली वीडियो एडिट ख़त्म हुआ है, एडिट ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके थोड़ी देर बाद इसको अपलोडिंग लगाऊंगा और सेकंड वीडियो एडिट करने बैठ जाऊंगा। मतलब आज का दिन यार, मतलब काम पे बाहर नहीं गया तो घर के ही इतना, मतलब घर पे एडिटिंग का इतना काम, मैं अराउंड कुछ 12:30 से लगा हुआ हूँ, 3-3.5 घंटे लग गए यार। एक्चुअली क्या डे व्लॉग जो हम बनाते हैं ना उसमें ऐसी कोई इतनी ज़्यादा फुटेज नहीं होती है जो एडिट करने में दिक्कत हो, बट जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो उस टाइम पे फुटेज ना बड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है कि यार कैसे कैसे क्लिप्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ स्लो मोशन डालना है, कहाँ आपको स्पीड में डालना है, टाइम लैप्स डालना है, कहाँ आपको सिनेमेटिक शॉट डालने पड़े, बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर घुमाने वाला काम हो जाता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। इससे पहले जब मैं चितकुल राइडिंग करके आया था ना, उस टाइम पे भी मुझे टाइम लगता था, पर इतना ही लगता था, क्यों उस टाइम पे मैं एडिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी जानता नहीं था। अब जैसे जैसे डे व्लॉग मैं कर रहा हूँ, मेरे को करीबन 68 या 9 डेज़ हो गए हैं लगभग, और
सारी वीडियो एडिट मैंने की है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अब धीरे धीरे मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वीडियो भी अच्छी, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है वीडियो में मेरी, और कहीं ना कहीं एडिटिंग में भी इम्प्रूवमेंट है जो मुझे खुद को फील होती है। बाकी तो मुझे नहीं पता, आप लोग ज़्यादा अच्छे जानते हो। तो अब ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करके अपलोडिंग पे लगाते हैं और मैं पीता हूँ एक बढ़िया सी कॉफ़ी, क्योंकि सिर घूम रहा है, लगा हुआ हूँ उसमें 3-4 घंटे से, और अभी दूसरी वीडियो भी एडिट करनी है और आज की वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है। बहुत से काम है आज मेरे पास। तूने घर बनाया बेड माइनक्राफ्ट में? माइनक्राफ्ट है, लॉकी क्राफ्ट है? लॉकी क्राफ्ट सर्वाइवल। अरे वाह, लॉकी क्राफ्ट सर्वाइवल। और हमारे छोटे उस्ताद जो हैं वो पोटी में है। तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। आज के दिन दो वीडियो मैंने एडिट करी हैं। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है मोटो व्लॉग वाली, और ये दूसरी जो एक्सपोर्ट हो रही है इसको भी थोड़ी देर में अपलोड पे लगा दूंगा। और ये वीडियो जो आपने देखी होंगी तो मोटो व्लॉग आपने देखा होगा, 8:00 बजे लॉन्च हुई है, और ये वाली जो वीडियो है ये अराउंड मैं 11:00 बजे लॉन्च करूँगा, तो आप इसको 11:00 बजे देख चुके होंगे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार, 2 वीडियो एक दिन में आ रही है मेरी, मतलब सोचा नहीं था। मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, करते जा रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो बस उस प्यार की वजह से लगे हुए करे जा रहे हैं। तो ऐसे ही बस प्यार बरसाते रहना अपना। और बाकी अब यार 6:30 तो हो ही गए हैं, कॉफ़ी पी चुका हूँ मैं, अब कुछ हल्का स्नैक्स टाइप में कुछ सोच रहा हूँ मैं कुछ खाने के लिए। और बाकी चीकू का होमवर्क स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी होमवर्क कराते हैं। और वैसे अगर मैं बात करूँ एडिटिंग की, तो आज मैंने 2 वीडियो एडिट किए हैं, एक मोटो व्लॉग वाला और एक डे व्लॉग वाला। मोटो व्लॉग वाले को एडिट करने में मुझे अराउंड कुछ 12-12:30 बैठा था, 4:30 के आसपास मेरा वो ख़त्म हुआ था। और डे व्लॉग अभी मैंने मुश्किल से, अभी 6:30 हो रहे हैं, मैंने उठाया था 5:30 बजे मैंने करना स्टार्ट किया था, 1 घंटे में डे व्लॉग मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लेता हूँ मैं, सिनेमैटिक हो गया या फिर टाइम लैप्स हो गया, उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, उससे कुछ नहीं होता। बट सिंपल है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, गाने वाने नहीं डाले, तो मुश्किल से आधे से 1 घंटे में एडिटिंग हो जाती है। मोटो व्लॉग के अंदर थोड़ा सा भी क्या है, मेरा हाथ साफ नहीं है। जो प्रो मोटो व्लॉगर हैं लाइक जट प्रभजोत और MSK हो गया या फिर मुंबई कर निखिल हो गया, ये सब जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, ये भी अपनी वीडियो मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे में, या कितनी भी इफेक्ट, और जबकि इनके इफेक्ट्स तो मेरे से, तो मैं तो इनका 10% भी नहीं हूँ, इतने ज़्यादा इफेक्ट्स डालते हैं, उसके बाद ये लोग 1.5 से 2 घंटे में कर लेते हैं। क्योंकि इनको भैया 5-4 साल एक्सपीरियंस है, मैं अभी नया हूँ। बट फिर भी अभी नए के हिसाब से बताता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग का एडिटिंग थोड़ा ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू डेली व्लॉग्स। डेली व्लॉग्स का एडिटिंग ज़्यादा ईजी है मोटो व्लॉगिंग से। तो ठीक है, ये थोड़ी सी आपको बतानी थी, मन किया तो बता दिया, जो कुछ मतलब फील किया, जो सीखा तो आप लोगों से शेयर कर दिया, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा इजी है कौन सा मुश्किल है। यहाँ पर चिकू का होमवर्क हो रहा है और चिकू बहुत अच्छे से कर रहा है। मिसिंग नंबर्स, वन नंबर का है ये, तो 9 है बेटा, इसमें वन का है, वन। ये नंगड़ू है इस टाइम, इसलिए इसका ब्लैंकेट इसके ऊपर रख दिया गया है। आदि ये कौन सा नंबर है? वन, वन का है? वन। और ये? थ्री। टू पी नहीं, टू। ये? अब ये ड्रामा कर रहे थे, जैसे मैं बाहर बैठा हुआ था और मुझे आवाज़ आ रही थी, प्रॉपर बता रहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अब ये जैसे कैमरा देखा इसका ड्रामा स्टार्ट हो गया। आदि चलो मेरे साथ काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छे से बोलो आदि। 6, तेज बोलो, 6, 7, 8, और ये 9, 10, वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव। अच्छा बोलो, ए बी सी डी बॉडी प्लीज बोलो ना। अब ये कैमरा देख के नहीं बोल रहे हैं, तो अभी बड़े अच्छे से प्रीति को काउंटिंग ABCD सब सुना रहा था। अभी रात के 9 बज गए हैं और डिनर बनना अपना स्टार्ट हो चुका है। डिनर बना रही हैं प्रीति जी मिक्स वेज। पहले बच्चों को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे, और बच्चे अभी मस्ती मूड में आ गए हैं, क्लासेस ख़त्म हो गई है दोनों की, दोनों ने अपना, चिकू ने अपना होमवर्क कर लिया और आदि ने भी कर लिया। पापा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, बच्चे ने पहले बता दिया है। तो बस अब जो है खाना खाएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है अपना वही मोटो ब्लॉग देखना है और फिर सो जाना है। ठीक है, फिर इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।